शुक्रतारिणीकरोकान् भुक्ता भोगाश्रविष्टान् पुनर्विभाषितान् कामजन्यान् पीता सर्वान् विशेषान् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परमामृतमजं ब्रह्मयत्तं नतोऽस्मि। अथर्वेदीय मांडुक उपनिषद की द्वितीय प्रकरण वैतथ्य नामक द्वितीय प्रकरण को तो अभिप्राय ये है श्रुति वाक्य के द्वारा जो शुद्ध करके दिखाया कि जगत में पारमार्थिक सत्य तो नहीं है और उसी को ही युक्ति के द्वारा पुष्ट करने के लिए ये वैतथ्य प्रकरण आया और किसी वस्तु को युक्ति के द्वारा सिद्ध करने के लिए कोई दृष्टांत के द्वारा पहले समझाना पड़ता है कि देखो जैसा दृष्टांत में ऐसे यहाँ भी हो रहा है इसलिए ये भी उस दृष्टांत को समझ ये भी वैसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जागृतिक वस्तु मिथ्या है इसको समझाने के लिए वेदांती अथवा शास्त्र में स्वप्न किसी के गौरव है स्वप्न मिथ्या तक लेकर भी किसी का विवाद नहीं है इसलिए उसके ऊपर और उसके लिए एक एक करके एक को दिखाया अनुपयुक्त स्थान अनुपयुक्त काल उसके प्रमाण के अभाव इसमें सहमति के अभाव फिर संस्कार जन्य आदि अंत वाला जड़ होने के कारण कई हेतु से जो है ये सापनिक वस्तु मिथ्या हो जाए जितना हेतु वहाँ पे दिया है सारा हेतु हमारे जागृतकालीन वस्तु में भी घट जाता है इसलिए जागृतकालीन वस्तु में मिथ्या है। उसमें अंतिम जो यहाँ पे मेरे क्या क्या आया था जिसके ऊपर विचार चल रहे हैं प्रश्न उठा है कि यदि सभी हमारे लिए मिथ्या है तो स्वप्न दृष्टा भी मिथ्या है क्या? बोलते नहीं स्वप्न दृष्टा मिथ्या में नहीं बोला केवल स्वप्न दृश्य मिथ्या दृष्टा की मिथ्या तो कहीं नहीं बोला और हम भी नहीं मानते। हाँ स्वप्न दृश्य और स्वप्न दृश्य संबंधित जो वस्तु उसका ज्ञान वो दोनों मिथ्या है। इस प्रकार रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प और सर्प के ज्ञान ये दोनों मिथ्या है रज्जु मिथ्या नहीं है। फिर किसी प्रकार से अधिष्ठान रूपी आत्मा के ऊपर दिखाई दे रहे जगत है ना और जागतिक ज्ञान ये मिथ्या है परंतु अधिष्ठा ज्ञान स्वरूप मय अधिष्ठान ये मिथ्या नहीं ये मुख्य अभिप्राय इस जगह को मिथ्या बोले भी हम नहीं समझ पाते इस जगह को लेकर ही केवल मिथ्या। और फिर क्या कि जिस प्रकार स्वप्नों को मिथ्या बोलते हैं जागृत के सापेक्ष में इस प्रकार जागृत को मिथ्या बोलते हैं आत्मा के सापेक्ष में ब्रह्म के सापेक्ष में सापेक्षिक शब्द ये भी निश्चय रखना है। और जो वस्तु मिथ्या होता है वो वस्तु दिखाई नहीं देगा ये बात नहीं है दिखाई देने पर ही मिथ्यात्व सिद्ध होता है दिखाई दे परंतु जिस रूप में दिखाई दे रही इस रूप में पकड़ में नहीं आना यही मिथ्यात्व होता है। कोई घटना नहीं घटे तो मिथ्या नहीं बोल सकते हैं कुछ हुआ उसको आपको भिन्न करके बोलना तभी रखना मिथ्या तो कुछ है इसीलिए यहाँ पे जो जिस रूप में दिखाई दे रहा है उस रूप में हमको प्राप्त हो इसलिए इसको मिथ्या। अंतिम में उठा आप बोलते हैं जागृत वस्तु मिथ्या है मिथ्या है जैसे कल्पना कौन करता बोलते कल्पयति आत्मनात्मनम आत्मदेव स्वमाया स्व एव बुद्धते वेदान इति वेदांत निश्चय। हमें अपने आप अपने में अपने को अनेक रूप में विभाजन करके अपने भ्रमण को अपने आप देख रहे हैं ये वेदांतिक निश्चय है। यद्यपि अज्ञान अवस्था में निश्चय हो नहीं पाता वेदांत सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ये निश्चय होता है। अब जो है आप बोल रहे हैं जागतिक वस्तु मिथ्या है सापनिक स्वप्न वस्तु की तरह परंतु स्वप्न वस्तु का प्रत्यय भी क्या नहीं होता जागृत वस्तु को दो बार तीन बार दिखाई पड़ते हैं लंबा समय तक दिखाई पड़ते हैं इसलिए जागृत मिथ्या नहीं है। तो वेदांत उत्तर देता है हमने कब कहा कि स्थायित्व और अस्थायित्व को लेकर स्वप्न और मिथ्या का विभाजन होता है मिथ्या वस्तु में लंबा समय तक दिखाई पड़ता है किसी वस्तु की सच्चाई क्या है जब तक हमने नहीं जाना तब तक मिथ्या वस्तु हमको ऐसे ही दिखाई देगा ऐसे ही दिखाई देगा इसीलिए किसी की स्थायित्व अथवा दो तीन बार दिखाई दे तो वो वस्तु सत्य है ये नहीं बोल सकता। इसको मन में रखकर यहाँ पे दृष्टांत दिए थे कि जैसे बोलते चित्त काला हिजे अंतस्तु द्वय काला हिजे वही जो वस्तु अंदर दिखाई पड़ता है एक का चित्त काल वाले परंतु बाहर वस्तु क्या होता है तो दो काल वाले हैं मतलब जिस समय दिखाई दे रहा है उस समय भी है जिस समय नहीं दिखाई दे रहा उस समय भी है ये दो काल वाले
परंतु ये दो काल वाले होने पर भी कल्पित अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, विशेषण अन्य, इसलिए वहाँ पे जो है आप लंबा समय दिखाई दे रहा है इसमें सत्य है, सत्यत्व के लिए ये बात नहीं है, हमारे संस्कार ऐसा बैठा हुआ इसलिए हमको देखने में मजबूर है। दृष्टांत देश में भी हो सकता है, वस्तु में भी हो सकता है, काल में भी हो सकता है। इस प्रकार देखिए हम लोग रोज 7 से 8 एक घंटे यहाँ पे पाठ करते हैं, ठीक है ना, तो मन में एक संस्कार बैठा हुआ, मन में संस्कार बैठा तो हमको लगता है वो एक घंटा मतलब उसी काल तो प्रातः काल की एक घंटा समय वो रोज हम जो है इस काम को देख निकाल सकते हैं। क्योंकि ज्ञान होने के बाद पता लगेगा जब ये पठन पाठन सत्य नहीं है, क्योंकि अपने बोलता प्रवेदा अवेदा भगवत के तो समय की कहना ही है, ये भी अपनी कल्पना मत है। तो इसलिए एक फिर वस्तु जो वस्तु हमको आज सोच रहा हूँ कि हम जो काल दिखा था उसको मैं आज दिखाई दे रहा है ये बात भी नहीं है, उस वस्तु में कितना परिवर्तन हो जाता है, उस वस्तु में कितना परिवर्तन हो जाता है। और परिच्छेदक होता है एक वस्तु दूसरे का परिच्छेदक होता है, जो परिच्छिन्न वस्तु होता है भिखारी होता है नाशवान होता है ये होता है, परंतु आत्मा कोई परिच्छिन्नता के भेद में नहीं है, आत्मा परिच्छिन्न वस्तु है, असंग है, व्यापक है, पूर्ण है, इसीलिए सत्य वस्तु है। 14 नंबर के ऊपर हमारा भाष्य पढ़ लिए थे, टीका को देखिए कल इस पंक्ति हमने पढ़ लिए थे, तृतीय पादम प्याचष्टे नीचे से 1 2 3 4 5 बीच में, ठीक है। अच्छा ये जो आप इसको संशोधन ये जो आया हुआ ना कि टिप्पणी अनोन्न परिच्छेदत्व, ठीक है ना, ये इस पन्ने में हो, मतलब 89 93 पन्ने में जो आप दिखाते समेत जो दिखाते ना समेत जो वहाँ पे आइए उसी को ही यहाँ पे बोला गया है पिछले पन्ने में। हाँ पिछले पन्ने में तो हमारे पुरानी पुस्तक में मैंने देखा है कि वहाँ भी ऐसे ही है, वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये अनोन्न परिच्छेदत्व कल्पितत्व ही ज़्यादा कल्पना तदा आस्ते लोग जीवा, जब हम कल्पना करते हैं तब जब तक हम देखते हैं तब तक वो वस्तु है अथवा ग्रहण करते हैं, वो शायद न तो आसन ध्वन मिथो अवच्छेद दिखाओ, मतलब आपस में आसन अथवा ध्वन मतलब बैठना अथवा एक दूसरे का एक दूसरे का एक काल के द्वारा अवच्छेद, और उतना काल का हमारे मन में इंप्रेशन आया तो उसी काल को मैं इतना उतना समय में ये पर रुकूंगा इस भावना को मन में लेकर के आते हैं। न सहकल्पित तथा तमो एक साथ कल्पना किया गया है इसलिए वो सत्य होगा ये आप नहीं कह सकते, सकम कल्पित तथा सती ज्यादा कल्पना तदा उभयम इति अस्य, जिस समय मैं कल्पना देखो एक साथ हमने कल्पना कर रहा है, कितना व्यक्ति कल्पना कर रहा है सामने 10 व्यक्ति की कल्पना कर रहे हैं, तो ये उससे भिन्न इतना मात्र सत्य वही आ जाता है कल इतना मात्र से सत्य ही मित्र हम नहीं बोल सकते, एक साथ कितना कल्पना कर सकते, अपने आप ही कभी सोचिए आप अकेला बैठ करके कोई आपने अपने मनोकल्पित राज्य में घूम रहे हैं कितना कल्पना कर लेते हैं, यहाँ से मैं वहाँ गया वहाँ के वस्तु वहाँ के व्यक्ति वहाँ पे सामान सब चीज़ अपने मन ही मन कल्पना करते हैं, स्वप्न काल में भी ऐसे ही करते हैं, जागृत में भी ऐसे, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि तथा सती ज़्यादा कल्पना का लकूप है, उस समय कल्पना करते हैं कि दिवस्य व न्याय तभी संगत होने के कारण यदि अभिप्राय इसका अभिप्राय। तो यहाँ पे तृतीय पादम व्याचष्टे ये अंत चित्त काला बाह्य द्वय काला, तृतीय पाद में क्या कहा कि जो अंत वस्तु है कुछ स्वप्न में भी ऐसा होता है कुछ अंदर रहता है कुछ बाहर दिखाई देता है, जो अंदर रहता है वो आपका अनभिव्यक्त अवस्था में रहता है, अगले बोल रहे हैं जो सामने दिखाई पड़ता है अभिव्यक्त अवस्था में दिखाई पड़ता है, इतना ही मात्र भेद है। तृतीय पादम व्याचष्टे अंत चित्त काला केवल मात्र मन में रहता है वो एक काल वाले है, बाह्य द्वय काला वो अलग अलग काल के अंदर में दिखाई पड़ता है, जिस समय जानते हैं उस समय भी है, जिस समय नहीं जानते उस समय भी है, हो गया द्वयकाल द्वयकाल। चतुर्थ पाद अर्थमा चतुर्थ पाद के अर्थ को क्या बोलते हैं, क्या बोला वहाँ पे विशेष होना अन्य हेतु का, ये जो विशेषता दिखाई पड़ती है कौन विशेषता दिखाई पड़ते हैं, एक एक काल में दिखाई पड़ता है, एक दोनों का अनेक काल में दिखाई पड़ती है, ये विशेषता वो सत्यत्व के लिए नहीं है, विशेषण अन्य हेतु ये सत्यत्व के लिए नहीं, उसका समझ रहे चतुर्थ पाद अर्थम न बाह्य द्वय काल विशेष कल्पितत्व व्यतिरेक न अन्य हेतु, वो ये जो बाहरी वस्तु जिसके अंदर दो काल विशेषता बैठे द्वय काल विशेष विशेषता के यहाँ पे मतलब जिस काल में देखते हैं उस समय भी है, जिस काल में नहीं दिखाई देता उस समय भी विद्यमान वो कल्पितत्व व्यतिरेक न अन्य हेतु का, कल्पितत्व के भिन्न दुष्टा कोई हेतु मतलब सत्यत्व हेतु के लिए दोबारा दिखाई पड़ता है ये बात नहीं है, कल्पितत्व वहाँ भी बैठा हुआ वो कल्पना के संस्कार
हमने जितना दिन तक रखा उन्हें संस्कार बताए, इस पिंड को मैंने पिता और इस पिंड को मैंने माता मानना था दे करके कल्पना करते। जब तक वो पिंड हमारे सामने हमारे संस्कारों बैठा हुआ है, केवल एक जन्म का नहीं, उत्तर पिंड भी माता हुए, कभी देवता भी माता पिता हुए, कुछ कुछ मानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो माता पिता संबंध बनाने के संस्कार बैठा हुआ ना, वो छूटता नहीं, वो छूटता नहीं, क्योंकि भेद में ये संबंध होना संभव है। इसलिए ये कल्पित ही है, ये कल्पित ही है, कल्पित तो व्यतिरेक न अन्य हेतु का, इससे भिन्न कोई और कोई कारण नहीं है। देखो इसको समझा रहे ठीक है, बच्चों का किस पंक्ति को बाह्य जागृत दृश्येषु पदार्थेषु, बाह्य मतलब क्या हो गया, बाहर में जागृत अवस्था में दिखाई दे रहा है जो बाहरी पदार्थ, जागृत दृश्येषु जागृत कालीन दृश्य वस्तुओं में बाह्य पदार्थेषु और बाहरी वस्तु व्यवस्थित हो वहाँ पे विद्यमान है। द्वय काल के ना दो काल है वहाँ पे, जिस समय मैं देखा जिस समय नहीं देखा विद्यमान है। काल द्वय अवच्छेद आकार का मत लगाना पड़ेगा, वहाँ पे लगा दिया था करना एक आकार की मत लगा, काल द्वय अवच्छेद कृत दो काल की तरह अवच्छिन्नित होता है, एक जिस समय मैंने देखा और जिस समय नहीं देखा, अथवा कभी बाद में प्रत्यभिज्ञा हो द्वितीय काल हो गया कृत प्रत्यभिज्ञायमान स्वरूप प्रत्यभिज्ञमानत्व रूप विशेषण अन्य हेतु, वहाँ जो प्रत्यभिज्ञ रूप होता है प्रत्यभिज्ञमानत्व मतलब वहाँ पे उसमें प्रत्यभिज्ञत्व रूप धर्म बैठा हो, मतलब दोबारा आप उसको पहचान लेते हैं प्रत्यभिज्ञ दोबारा, ये वही वस्तु काल में देखा था प्रत्यभिज्ञ मतलब किसी को पहचान देना, मतलब कई साल पहले किसी वस्तु को आपने देखे थे कई समय पहले, दोबारा उसको देख करके फिर आपने किसी वो केवल आप ही समझ सकते हैं, वो केवल आप ही समझ सकते हैं किस निमित्त को लेकर के आप इसको पहचान लें, अरे ये तुम वही व्यक्ति हो ना, इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञ, इसको बोलते हैं ये वही वस्तु मैं देख रहा, इस प्रकार की भावना होता है प्रत्यभिज्ञ मानत तो रूपा प्रत्येक भारी वस्तु में ये है ना, ये जो विशेष है न अन्य हेतु को न भवती, इसके लिए सत्यत्व रूपी हेतु के लिए विषय को ये नहीं होता, वो कल्पित धर्म वहाँ भी बैठा हुआ, केवल मात्र उस वस्तु में उस कल्पना में संस्कार इतना तीव्र हो रखा है वो संस्कार नहीं जा रहा है, वस्तु में विशेषता नहीं है, वस्तु तो जड़ी है, वस्तु हमको नहीं बोला कि तू मेरे को पहचान है, हमारा मन उनके प्रति लगा हुआ है, फलत हम उसको पहचानना उसके सद्भाव करना पसंद करते हैं, इसीलिए हम उसका बार बार करते हैं, ये उसके उसको स्थायित्व के लिए हेतु, परंतु ज्ञान होने के बाद हमको पता रहेगा ये तो मैं वही पानी रहित स्थान में तालाब में मैं तैर रहा हूँ, ऐसे इसमें हम बोलते हैं कि विशेषण अंत हेतु को ना अंत हेतु को ना बोलती है। कल्पित अभी तथा विध विशेष संभव, कल्पित वस्तु में भी इस प्रकार से दो तीन बार देखना होना संभव है और वो आपने स्वप्न में देखे, ऐसा कभी होता है एक स्वप्न में दो बार देखा, स्वप्न में एक ही वस्तु हो सकता है, होता है कि नहीं होता है, होता है रेयर होगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंट होता है पर हो सकता है, वहाँ पे मतलब एक ही स्वप्न को बार बार देखूंगा ऐसा जरूरी नहीं, कभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, परंतु यहाँ पे एक ही वस्तु को बार बार देख रहे हैं, परंतु जैसे स्वप्न में हमने दो बार देखने पर भी कभी हम उठ कर नहीं बोलते उस वस्तु में दो बार देखा है ये वो सत्य है, इसको एक बार देखा इसलिए मिलता ऐसा कोई नहीं बोलता, सब नहीं वस्तु मिलते ये किसी प्रकार ये वस्तु के इस व्यक्ति की कल भी देखा था आज भी देख रहे हैं इसलिए पिंड सत्य है ये नहीं है, ये पिंड भी मिलते हैं और ये पिंड भी मिलते हैं, पिंड मात्र में पंधु दोनों के अंदर इस पिंड को प्रकाशित करने वाला स्वच्छतानंद तत्व है वो मिलता है, तो इसीलिए कल्पित अभी तथा विध विशेष संभव, कल्पित होते पर भी उस प्रकार की विशेषता, विशेषता मतलब दो तीन बार देखना ये विशेषता अत्यधिक मन संभव होने के कारण विषय में दृष्टान्त, इस विषय में दृष्टान्त भाषिका क्या बोला अत्रापि ही स्वप्न दृष्टान्त भवती है, इस विषय में भी स्वप्न ही दृष्टान्त बनते हैं, हमारे एक भी दृष्टान्त सुचारा के लिए स्वप्न काल में भी ऐसा हो सकता है, देखिए टीकाकार इसको अर्थ लिखते हैं यद्यपि सर्व जागृत भेद जातम कल्पितम, यद्यपि संपूर्ण जागृत में जो भिन्नता दिखाई पड़ती है भेद समूह जागृत भेद जातम मतलब भेद शब्द का अर्थ विशेष भी दे सकते, जागृत में जो अलग अलग प्रकार की विशेषता दिखाई पड़ती है वो विशेष समूह जागृत भेद जातम कल्पितम, तथापि तत्र यथक्त विशेष स्फुट सिद्ध भी, परंतु वहाँ भी इस प्रकार की विशेषता मतलब कि एक वस्तु को बार बार दो तीन बार देखना स्पष्ट रूप में सिद्ध हो जाता है, क्यों स्वप्ने भी ऐसे ही हुआ स्वप्ने सर्वस्व भेद जात कल्पित, तब स्वप्न में दिखाई दिया जितना पदार्थ है जितना भिन्नता है जितना विशेषता है
वो सब कल्पित होते हुए भी प्रत्यभिज्ञायमान फिर उसी प्रकार संबंधों वाले मुझे इस कारण से जागृत अभी तुम पाते जागृत काल में भी ऐसा होना डिप्रेशन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से जो मतलब स्थायित्व और अस्थायित्व अथवा दो दो बार तीन बार देखना हुआ बताइए, एक ही जब हमने पहले ही बोल दिया जो वस्तु जहाँ पे नहीं है उस वस्तु ये जो वहाँ पे दिखाई दे तब उस वस्तु का ज्ञान भी मिथ्या हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए एक दिन हमने वहाँ पे पहली दृष्टि में सबसे अच्छा मान लीजिए मरुभूमि के जो हम पानी दिखाई पड़ते हैं आज भी देखा पानी रूप में कल भी देखा उसी पानी रूप में, परंतु मन निश्चय हो गया, क्या निश्चय हो गया पानी नहीं है दिखना है दिखने दो देखना दिखने दो तो व्यवहार नहीं होगा। इस प्रकार से ज्ञान के बाद जागृत प्रति प्रतीति हो जाए प्रतीति होने दो परंतु क्या हो जाएगा तो मेरा प्यास नहीं बुझा दिया जाने से लाभ नहीं, इसी प्रकार से इससे मेरा जागृत वस्तु से मेरा पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा इसके प्रति जिसा चला इतना ही संसारक बंद हो जाता है जगत नहीं जाता। संसारक बंद होने के पीछे क्या कारण है ये मेरा प्यास बुझाएगा, तो वो प्यास बुझाने के लिए अपना एक सेट अपना एक ग्लास आएगा यही अभिप्राय है। आगे देखिए बोलते हैं स्वप्न टीका में अगला के लिए 15 के लिए स्वप्न जागरित अयोर उभयोर अभिवित्तते स्फुट अस्फुट अवभाष विभाग अनुभव जितना हमारे मन में शंका हो सकते हैं सारा एक एक करके उठाए करने जागृत वस्तु स्पष्ट रूप में दिखाई और स्वप्नकालीन वस्तु स्पष्ट नहीं है ना, इसलिए बोलते हैं स्फुट अस्फुट स्फुट अस्फुट अवभाष विभाग। आप कैसे करोगे इसको एक स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते हैं एक मन के द्वारा देखना और मन सहित इंद्रियों के द्वारा देखना इसमें स्पष्ट कौन दिखेगा, मन सहित इंद्रियों के द्वारा जो दिखते हैं बाहर लोग स्पष्ट दिखते हैं जो केवल मन में है किस विषय का ही स्वप्न हमारे याद ही नहीं रहता क्या देखा था कुछ देखा था कुछ याद नहीं आ गया क्योंकि अवभा स्पष्ट नहीं है अवभा स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार जागृत में भी किसी जगह पे आपने गए परंतु वहाँ मेरे मन से ठीक से नहीं दिखा वहाँ पे क्या क्या देखा वहाँ जो स्वप्न देखा वो याद नहीं है वो क्या सुषुप्ति में हुआ नहीं नहीं स्वप्न काल में हुआ याद क्या नहीं हुआ यही तो बात है कि वो अस्पष्ट है वहाँ पे मान प्रतिभा अस्पष्ट है वहाँ सुषुप्ति में स्वप्न नहीं है नहीं है तब तो सुषुप्ति होगा ही नहीं तब तो आपका बुद्धि गहरा नहीं उठ करके आप नहीं कह सकते कि मैं आनंद से सोया हूं। यहाँ पे बोलते हैं स्वप्न जागृत उभय स्वप्न और जागृत ये दोनों का भी दोनों की षष्ठी दिवस मिथ्या मिथ्या होने पर स्फुट अस्फुट अवभाष विभाग है ना, एक में स्पष्ट अवभाष है एक में अस्पष्ट अवभाष है ये विभाग कैसे करोगे ये विभाग कैसे करोगे स्फुट अस्फुट अवभाष विभाग अनुभव करते न अविशेष न मित्तत्व सिर्फ जागृत में भी जैसा मित्र स्वप्न में भी जैसा मित्रत्व है जागृत में भी वैसे ही मित्रत्व है इत्यादि आशंका इस प्रकार शंका करने पर उत्तर देते हैं इस प्रकार शंका करने पर उत्तर देते हैं ठीक है। देखिए एक एक छोटा छोटा शंका उठा करके एक 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 पहले उत्तर क्या हो रहा था एक स्व प्रयोजन होता है निभाते प्रयोजन को निभाते ये समझाएं कि जागृत में सब प्रयोजन को नहीं निभाते एक थोड़ा आगे आके बैठे रहेंगे थोड़ा आगे बैठा था समय का टीका में यहाँ पे कोमा लगा दिया मित्रत्व में एक कोमा दिया और उनपत्ति वहाँ पे भी एक कोमा दिया स्वप्न जागृत है स्फुट अस्फुट अवभाष विभाग अनुभव कोमा ठीक है ठीक है कि स्पष्ट और अस्पष्ट जो प्रतिभास होता है इस पर विभाग तो आप कर नहीं पाएंगे पहले तो सद असत का विभाग नहीं कर पाएंगे बोला था मरुभूमि के पानी और गंगा जी के पानी बोलते हैं कि चाहे वो ठीक है सद असत रूप में आपका प्रतीक के ऊपर तो मित्र तुम्हें बराबर को नहीं मिलेगा इसी प्रकार से स्पष्ट और अस्पष्टता को लेकर के बोलिए फिर काल को लेकर के बोला फिर जो है आपका प्रतिभा को लेकर अविशेष मित्रत्व दोनों में समान कैटेगरी का मित्रत्व बैठा हुआ है ये आप नहीं कह सकते यदि आशंक ऐसा शंका उठा करके होने पर आह उसका उत्तर में कहते हैं हमारे कालिकाकार अव्यक्त एव यम तस्तु अव्यक्त एव यम तस्तु स्फुट एव च देवहि स्फुट एव च देवहि कल्पिता एव ते सर्वे
विशेषस्त्वेन्द्रियान्तरे अव्यक्तायैवान्यस्तु स्वसदैव च येवहि कल्पितायैव ते सर्वे विशेषस्त्वेन्द्रियान्तरे। जो वस्तु अंदर का हो वो थोड़ा अस्पष्ट है, अव्यक्त अवस्था है, और जो वस्तु बाहर दिखाई पड़ता है स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता। दो प्रकार की वस्तु दिखते हैं, कुछ केवल मन से दिखते हैं और कुछ मन से इंद्रियों के द्वारा दिखते। जो केवल मन से दिखते हैं वहाँ पे थोड़ा अस्पष्ट तरह है, और इंद्रियों के द्वारा जो दिखते हैं वहाँ पे इंद्रिय जनित कारण से वो थोड़ा स्पष्ट हो जाते हैं। परंतु इतना होने पर भी कल्पिता एक दृश्य वो दोनों ही मतलब आपको जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो स्पष्ट समझ में आ रहा है दोनों ही कल्पित तो धर्म बैठा हुआ है। तो विशेषता क्या है, कहाँ पे है? बोलते हैं विशेषता हो गया इंद्रियांतरे, मतलब एक जगह पे इंद्रियों को प्रयोग कर पाया एक जगह पे इंद्रियों को प्रयोग नहीं कर पाया, इसलिए विशेषता कहता है। इंद्रियों के द्वारा जिसको देख लेते हैं समझ लेते हैं उसमें स्पष्टीकरण आ जाता है, जो नहीं देख पाते स्पष्टीकरण आने से क्या लाभ होगा? मिथ्यात्व और गाढ़ा हो जाएगा, मिथ्यात्व को सत्य मानना और गाढ़ा हो जाएगा। स्पष्टीकरण में अपना आँख से देखा नहीं सकता, एक ही हो जाता है। जो मिथ्या को सत्य मान रहा और मैं अपने प्रमाण के द्वारा उसको पक्का करके जान लिया तो क्या हो गया, वो जो हमारे मिथ्या के अंतर वो और पक्का हो गया ही सत्य। इसीलिए ये सब चीज़ को यदि आप ठीक शास्त्र के अनुकूल होकर इसको सोचिए तब आपको बजा देते किसी भी वस्तु के प्रति कोई अग्रहण नहीं। ठीक है, प्रारब्ध है व्यवहार, मतलब अब व्यवहार अपने स्थान पर है, इसी यहाँ पे बोलते हैं कि अव्यक्त एव ये एक अव्यक्त एव ये अंतर, जो अंतस में केवल मतलब दिखाई पड़ता है वो अनभि थोड़ा अस्पुष्ट अस्पष्ट अवस्था में देखा, क्यों मतलब इसका भिन्नता को दिखाने के लिए। परंतु जे वही देश फुटाए वो जो बाहर दिखाई पड़ता है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्यों? इंद्रिय विशाल में रहता है। वो आगे शिष्य बोलते हैं विशेष ते सर्वे विशेषस्त इंद्रियांतर कल्पिता है वो जो सर्वे, चाहे आपको अस्पष्ट रूप में दिखाई दे चाहे स्पष्ट रूप में दिखाई दे। अब बताइए भ्रांति काल में जिस प्रकार वो वस्तु जो हम सर को दिखा स्पष्ट रूप से सर को दिखता है क्या, परंतु वो कल्पना इतना हमारा मन इतना मतलब सर को संबंधित मतलब जो द्वेष अथवा भ्रांति मन में बैठा हुआ है ना कहीं काटा होगा वो तुरंत इतना तीव्र रूप में अभिव्यक्त होता है सर को सत्य है। कोई बोलता है नहीं नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, एक ही वस्तु को देख करके वो हमारे संस्कार के अनुसार हम उसमें दृढ़ बोलते हैं, आरेख बोलते हैं वो भी सत्य है नहीं भी हो सकता स्पष्ट है। इस प्रकार से ये भी एक मनोवृत्ति ऐसी एक मिथ्या है, जैसे स्पष्ट देखते हैं सूरज पूर्व से पश्चिम में जाता है सभी आदमी देखते हैं, लेकिन ये मिथ्या है। ये तो देखते ही है रोज आओ तो हमने क्या मान्यता दिया, वो मान्यता दे रखा है कि सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है और उस स्थान की नाप और उसकी गति इसमें मान्यता दी। इसलिए एक इस प्रकार से मान्यता देकर ही व्यवहार चलता है, मिथ्या मान्यता देकर ही व्यवहार चलता है। इसके अंदर होता है विशेषस्त इंद्रियों में, विशेषता कहाँ पे? इंद्रियों में भिन्नता है। अब देखिए यहाँ पे टीकाकार क्या बोल रहे हैं, कल्पिता एक तो सर्वे मतलब ते सर्वे कल्पिता एक मतलब स्फुट अस्फुट दोनों ही कल्पित रूप में विद्यमान है। ते सर्वे प्रथम वो बचना चाहिए, विशेषता क्यों होता है, स्पष्ट अस्पष्टता क्यों होता है, भिन्नता क्यों? इंद्रिया एक में मन के साथ इंद्रिय जुड़ा हुआ है, एक में मन के साथ इंद्रिय नहीं इतना है। तो यहाँ पे टीकाकार देखिए होते हैं जे मनसी अंतर भावना रूपत्व अस्फुटा अमाकार जे च मनसो बहिर उपलब्ध मान स्फुटा भवंती ते सर्वे मनस्पंदन मात्र तेना कल्पिता। देखिए एक कल्पिता एव के सर्वे नेक्स्ट इसलिए अर्थ करते ये यु ये भावा ठीक है ना, ये भावा मनसी अंतर भावना रूप तक मन के अंदर एक भावना मात्र रूप होने के कारण ये भावना क्या है, भाव्य वस्तु के प्रति विषय के प्रति व्यक्ति के प्रति कुछ भी उसके प्रति एक मतलब वृत्ति की बात मनोवृत्ति की धारा इसी को बोलते हैं। जिस वस्तु में आपका मन लगा मजबूती है ना उसके प्रति एक मनोवृत्ति की धारा हो गया भावना, मनोवृत्ति की धारा।
भाव्य वस्तु कुछ भी हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, जिसके प्रति हमारा प्रीति है, जिसके प्रति हमारी प्रीति है, वहाँ पे जो एक मानवृत्ति की धारा चलती है उसको भावना बनी। जैसे हम बोलते हैं ये मानसिक अंतर भावना रूपता, जो मन के अंदर एक भावना रूप होने के कारण अस्फुट अस्फुट स्पष्ट रूप में नहीं देखेंगे, वो केवल मन में ही है एक। और ये और जो मनुष्य वही उपलब्ध माना जो और जो मन के बाहर उपलब्ध हो रहा है वो स्फुट भवन हो तो स्फुट है और स्पष्ट हो तो स्फुट भवन भी हम ते सर्वे चाहे स्फुट हो चाहे अस्फुट हो ते सर्वे मनस्पंदन मात्र तेन मन के स्पंदन की मात्र से वो दिखाई पड़ता है। इस कारण से वो उसको भी कल्पित ही मानी जाती है। सर्वे हेतु दिया ते सर्वे कल्पिता मनस्पंदन मात्रत्वा ते सर्वे कल्पिता मनस्पंदन मात्रत्वा। देखिए जैसे इस यहाँ पे तीन ब्लेड दिखाई दे रहे हैं अलग अलग सर्कल तो नहीं दिखाई दे रहा है परंतु यहाँ पे गति उत्पन्न हो रही है। इसमें गति तो आपको क्या दिखाई देगा एक सर्कल पूरा सर्कल तो सर्कल वहाँ पर उत्पन्न नहीं हुआ और ना सर्कल नाश भी होगा ये केवल हमारी गति के कारण प्रतीति हो गति के कारण ही प्रतीति है। ये अलग शांति प्रकरण बहुत अच्छी तरह से समझा अलग शांति ऐसे मन के स्पंदन की मात्र से ये प्रकृति मात्र तन मात्र संस्कार से। यहाँ पे देखिए दो नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है ठीक है ते सर्वे मनस्पंदन मात्रत्वेन कल्पिता ते सर्वे कल्पिता मनस्पंदन मात्रत्वात् वहाँ पे दो नंबर टिप्पणी है मंतव्य मन कौन है अंतर इंद्रिय मन अंतकरण बुद्ध है अंतर इंद्रिय मन वही इंद्रियों में काम नहीं कर रहा मिथ्या एव टीका मिथ्या एव अंतर बहिर्इंद्रिय भेद निमित्त स्फुटत्व अस्फुटत्व विशेष हो वो मिथ्या होते हुए ही एक अंतर इंद्रिय केवल और एक अंतर बहिर्इंद्रिय दोनों मिलकर एक ने अकेला प्रयास किया और एक में दो मिलकर प्रयास किया तो दो मिलकर जो प्रयास किया उतना और पता हो गया। इसे बोलते हैं हम मिथ्या एव तो मिथ्या वस्तु ही अंतर बहिर् इंद्रिय भेद निमित्त एक अंदर अंतर निमित्त इंद्रिय एक बहिर्इंद्रिय इन निमित्त के कारण स्फुटत्व अस्फुटत्व विशेष स्फुटत्व अस्फुटत्व विशेष दिखाई पड़ता है वो केवल मात्र विशेषस्त इंद्रिया है ना इंद्रियंतर मतलब बहिर्इंद्रिय को साथ ले लिया आपने इस कारण से विशेष दिखाई न मिथ्यत्व अमिथ्यत्व वे मतलब स्फुट होगा तो अमिथ्या अस्फुट होगा तो मिथ्या ये कहना निश्चित ये व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता जो स्पष्ट है वो सत्य है जो अस्पष्ट है वो मिथ्या है ये व्यक्ति भी नहीं दिखाई पड़ता हमने ठीक से नहीं देखे इसलिए स्पष्ट है ये बात है न मिथ्यत्व अमिथ्यत्व तत्व उपयुक्त वहाँ भी मिथ्यत्व अथवा मतलब क्या व्यक्ति दिखाना चाहता है जो यत्र यत्र स्फुटत्व तत्र तत्र अमिथ्यत्व सत्यत्व और जत्र तत्व अस्फुटत्व तत्र तत्र मिथ्यत्व ये जो तुम कहना चाहते ये व्यक्ति ग्रहण भी नहीं होता कई जगह पर भी चेस्ट मिथ्या भूतेषु अभी तदर्शनात् अतः मिथ्या रूप होते हुए भी इस प्रकार से स्पष्टत्व अस्पष्टत्व दोनों दिखाई पड़ते हैं। जिस समय हमको दिखाई पड़ते हैं मरुभूमि में जल भ्रांति अवस्था में भी बिल्कुल जल ही लगते हैं हम यदि एक थोड़ा सा भी उसमें डाउट रह जाता है कि वहाँ पे जल नहीं है तब हम उसके पीछे दौड़ते ही नहीं थे ठीक इसी प्रकार इनिशियल मतलब जब तक हम शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं यदि मन हमारा मन में कभी शंका ही नहीं होती कि है कि ये जगत में आनंद नहीं है हम उसके पीछे हम सभी बचपन से सिखाते उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं परंतु जब शास्त्र आदि पढ़ते हैं गुरु गुरु शुद्धता पता लगता है अरे इसमें तो आनंद मिलने वाला चीज़ है ही नहीं है तब फिर अपने अनुभव को मिलाने लगते हैं हाँ वहाँ भी ऐसे होता हूँ यहाँ भी ऐसे होता है यही होता मिथ्या भूतेषु अभी तत्दर्शन तीन नंबर जो तत्दर्शन न स्फुटत्व अस्फुटत्व दर्शन से कह लेंगे स्फुटत्व अभिष्ठ मिथ्या वस्तु में भी स्फुटत्व अस्फुटत्व दोनों दिखाई पड़ते हैं स्फुटत्व स्फुटत्व दर्शन यहाँ तक हो गया टीका का श्लोक की अर्थ आते हैं आप बोलते हैं श्लोक अक्षरा ही व्याकरोति श्लोक में आए हुए अक्षर को पद को व्याख्या करते हैं कौन व्याकरोति का करते हैं कौन होगा भाष्यकार श्लोक अक्षराणि व्याकरोति भाष्यकार अब भाष्यकार यद्यपि अंतर अव्यक्तत्व भावाना मनोवासना मात्र अभिव्यक्ताना स्फुटत्वं वा बहिर्चक्षुरादि इंद्रियांतरग्राह्याणां
विशेषो नासौ भेदानां अस्तित्व कृत स्वप्ने अपि तथा रश्मना यद्यपि यद्यपि ऐसा होता है बच्चों अंगीकार करते हैं जिस भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने बोला ना वहाँ कि तुमने योग बोला मन इतना चंचल है इसको स्थिर करना असम तो भगवान बोलते हैं असंशय महाभगवान अब ठीक इसी प्रकार जो तुमने बोला ये ठीक बोला हम अस्वीकार नहीं करते एक स्पष्ट दिखते अस्पष्ट एक अस्पष्ट दिखते परंतु स्पष्ट अस्पष्टता के पीछे सत्यत्व मिथ्यात्व हेतु में मिथ्यात्व समझ बैठा इतना इसको एक जगह पे इंद्रियों थोड़ा मदद किया और एक जगह केवल मन इतना किया यद्यपि अंतर व्यक्तत्व भावना सॉरी अंतर अव्यक्तत्व भावना है ना यद्यपि क्या होता है कि जो अंदर वस्तु है अव्यक्तत्व भावना और भाव वस्तु वहाँ पे स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई पड़ता मनोवासना मात्र अभिव्यक्त क्योंकि मन की वासना मात्र वहाँ पे अभिव्यक्त हुआ इसलिए स्पष्ट नहीं दिखाई दिया जिस प्रकार मान लीजिए स्वप्न में आपने कुछ भरा देखा और स्वप्न में आपने कोई वस्तु देखा वहाँ पे क्या होता है आपको उस वस्तु के अंदर कहाँ पे क्या कमी है क्या दाग है क्या कारुकार्य है वो आपको नहीं दिखाई परंतु वैसे ही घरा जब आप बाजार में ले जाएंगे तो कुछ घरे में कहीं पे थोड़ा दाग है कहीं पे थोड़ा छेद है अपनों को अच्छी तरह से बनाए हैं उसकी जाए आपको स्पष्ट होकर के दिखाई पड़ता है क्यों दिखाई पड़ता है इंद्रियों को साथ देकर के आप उसको देखा यही अभिप्राय है कि मनोवासना मात्र अभिव्यक्त ना तो कॉमन ये हो गया आपका कि अव्यक्त स्फुटत्व व बही परंतु बाहर जो वस्तु है उसमें स्पष्टता आता है क्यों चक्षुरादि इंद्रियांतर ग्राह्याना भावना चक्षुरादि अन्य इंद्रियों के द्वारा एक हल्का अस्पष्ट एक आवाज सुनाई दिया तो ये आपका मन ग्रहण किया इंद्रियों के माध्यम से क्या आपका स्पष्ट है परंतु बाद में जब वहाँ पर आप ध्यान देते हैं क्या बोला समझे दो बार जब बोलते तो आपको अर्थ से समझ में आता है यही स्फुटत्व व बही चक्षुरादि इंद्रियांतर ग्राह्याना स्फुटत्व कहाँ पे आता है वही इंद्रियों के द्वारा जिसको ग्रहण हो जाता है उसको वही आपको स्पष्टता आ जाता है स्फुटत्व व बही चक्षुरादि इंद्रिय ग्राह्याना विशेष इसलिए वहाँ पर विशेष दिखाई पड़ता है नाश भेदाना अस्तित्व कृत ये वो जो बाह्य वस्तु है उसकी अस्तित्व की मतलब वो सत्यत्व मिथ्यत्व को लेकर के आपको स्पष्टता स्पष्टता ये बात नहीं है स्वप्न अभी तथा दर्शनार्थ शब्द काल में भी ऐसा ही दिखाई पड़ता है स्पष्ट रूप में तो अस्पष्ट रूप यहाँ भी टिप्पणी दिखाई पड़ रही है यहाँ भी टिप्पणी इंद्रियांतर ग्राह्याना ठीक है ना ये निमित्त सप्तमी आश्रित आह है ना तो अब व्यक्त निमित्त सप्तमी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सा निमित्त सप्तमी भावना मन वचन स्फुटत्व भय चक्षुरादि इंद्रिय ग्राह्याना विशेष नाशु भेदाना अस्तित्व कृते स्वप्न मतलब ये स्फुटत्व अस्फुटत्व में जो निमित्त आप मान रहे हैं कि एक शक्ति होगा एक मिथ्या होगा वो निमित्त नहीं है मिथ्यात्व दोनों में समान है केवल निमित्त के अंतर क्या है आपको एक इंद्रिय ग्राह्य है एक अंतर इंद्रिय ग्राह्य है एक अंतर इंद्र बहिर्द दोनों के इंद्रिय अंतर्गित निमित्त शक्ति में अस्तित्व इंद्रिय अंतर्गित यहाँ पे टिप्पणी जो है ना एक नंबर टिप्पणी हमारे इंद्रियांतर ग्राह्याना आपके पुस्तक में छपा हुआ है एक नंबर इंद्रियांतर ग्राह्याना निमित्त शक्ति मास्टर इंद्रिय अंतर्गत वहाँ पे जो दोनों में ये इंद्रियांतर के तो शब्द नहीं है ना जो टिप्पणी में निमित्त शब्द में आश्रित ये भी नहीं दिखाई दे रहा है और इंद्रिय अंतर के तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा है इंद्रिय अंतर के तो विशेष रूप मिला करके लिखा इंद्रिय अंतर है यहाँ पे इंद्रिय यही बोलते हैं अभिप्राय यही है कि निमित्त उसके पीछे यही है निमित्त क्या है इंद्रिय अंतर के तरह ग्राह्य होता है एक अंतर इंद्रिय बहिरिंद्र अभिप्राय तक तो समझ में आ रहा है शब्द वहाँ पे क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है अभिप्राय तत्व यही कहना चाहता है एक वस्तु अस्पष्ट है क्यों केवल मन के द्वारा ग्रहित हो रहा है अस्पष्ट क्यों ना इंद्रिय अंतर के द्वारा भी ग्रहण हो रहा है मन के साथ बहिरिंद्र के द्वारा भी ग्रहण हो रहा है ये इसका अभिप्राय फिर आगे मिथ्या भूते छूटा दर्शन मिथ्या छूटा तब दर्शन अध्यय श्लोक यद्यपि यहाँ तक आया हुआ है और आगे टीका में आ जाइए देखिए मनसि अंतर मनोरथ रूपाना
भावानाम अव्यक्तम अस्फुटत्तम। ठीक है, मनुष्य अंतर मनोरथ रूपानाम, ये जो मनोवासना मात्र अभिव्यक्त ना, इसकी अर्थ कर रहे हैं मनोवासना मात्र अभिव्यक्त, मनुष्य अंतर मन के अंदर मनोरथ रूपाना केवल कल्पना मात्र ही स्वरूप है जिसका जिसका भावाना जो भाव को दिखाई पड़ता है। अव्यक्तत्व अस्फुटत्व अव्यक्त मतलब ये जो अव्यक्त हो गया मतलब स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई देता, अव्यक्तत्व मतलब अस्फुटत्व। तत्र हेतु महा, इस विषय में हेतु क्या है, हेतु रूप में मनोवासना मात्र अभिव्यक्त आना, हेतु ये हो गया मन की पल के मन के अंदर के वस्तु में अस्फुटत्व क्यों है, क्योंकि मनोवासना मात्र वासना मात्र होता है, मनोवासना मात्र अभिव्यक्त आना, मन की वासना से अभिव्यक्त होता है। ठीक है, चक्षुरादि ग्राह्य तेन मनुष्य बहिर्भावना स्फुटत्व दृष्टम, परंतु चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जो जिस वस्तु का जो जो इंद्रग्राही होता है उस इंद्रियों के द्वारा भी भ्रमण होने के कारण से मन के बाहर जो वस्तु दिखाई पड़ते हैं वही भवना स्फुटत्व दृष्ट स्पष्ट है, इस प्रकार के समझ में आते हैं। तद ऐसा अमिथत्व कृतम, ये जो है अमिथत्व मतलब जो स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ रहा है वो अमिथ है, यत्र यत्र स्फुटत्व तत्र तत्र अमिथत्व, ये जो शंका है इस शंका को निराकरण करना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं कि बहिर्भावानां स्फुटत्वं दृष्टं तत्तेषां अमिथत्वं कृतं, तत्तेषां मतलब बहिर्भावानां स्फुटत्वं अमिथत्वं कृतं, बहिर्भाव बाहर जो वस्तु दिखाई पड़ता है जो स्पष्टता है वो अमिथत्व के कारण है, इति शंका इस शंका को निराकरण करते हैं। बोलते हैं नाशो भेदानां अस्तित्व कृतं, भाष्य में नाशो प्रतिज्ञा, ये भेद मनभाव वस्तु है उसका जो अस्तित्व मतलब एक नित्य वस्तु एक अनित्य वस्तु है इस कारण से नहीं है, दोनों ही कल्पित है। नाशो भेदानां अस्तित्व कृतं, कहाँ देखा आपने, तो सपने भी ऐसा ही दिखाई पड़ते हैं, जो तो सर्व संपत्ति मिथ्यत्व अभी सभी वादियों के द्वारा सम्मुख रूप से मान्यता होने पर क्या स्वाप्निक वस्तु मिलता है, सर्व संप्रतिपन्न मिथ्यत्व अभी स्वप्ने, स्वप्न में समस्त वादियों के द्वारा मान्यता है स्वाप्निक वस्तु मिथ्या होता है, स्फुटत्व अस्फुटत्व विशेष प्रतिभाना। ठीक है ना, कहीं पे कुछ वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं कुछ वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, स्वप्न में स्वप्ने स्फुटत्व अस्फुटत्व विशेष प्रतिभाना, वहाँ भी अच्छा विशेष मतलब भेद भिन्नता दिखाई प्रतीति होती है, इसलिए नाशो विशेष मिथ्यत्व अमिथत्व व प्रयोजित प्रभावती, इसलिए ये जो विशेषता स्फुटत्व अथवा अस्फुटत्व अशो विशेष प्रतिभाना अशो ये नकार अलग करेंगे अशो विशेष मिथ्यत्व और मिथ्यत्व प्रयोजय न प्रभवती, इसलिए ये विशेषता जो है वो मिथ्या है अरे मिथ्या नहीं है, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए प्रवेश मतलब सामर्थ्य नहीं होता न प्रभवती तो उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, सर्व संप्रतिपन्न मिथ्यत्व अभी स्वप्न, स्वप्नों का विशेषण क्या है, सर्ववादी जिसमें संपन्न शब्द आदि का मत जहाँ वे सहमत है, इस प्रकार स्वप्नों में स्फुटत्व अस्फुटत्व विशेष प्रतिभाना, वहाँ भी स्फुटत्व और अस्फुट रूप में वस्तु की विशेषता की प्रतीति होने के कारण नाशो विशेष मिथ्यत्व अमिथत्व व प्रयोजित प्रभवती, इसलिए ये विशेषता स्पष्टत्व और अस्पष्टत्व रूप विशेषता वहाँ पे मिथ्यत्व अथवा अमिथत्व ये है ना, इसलिए वहाँ प्रयोजित प्रभवती उसको उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वो उत्पन्न नहीं हो सकता मतलब मदद नहीं कर सकता। चार नंबर टिप्पणी, स्वप्ने स्वप्ने अपनी मनोरथी का, देखिए मनोरथ का तद्धित कर दिया ठक प्रत्यय होकर के मानोरथी का मतलब मन के रथ के ऊपर चल के जो अनुभव करते हैं मनोरथ का तद्धित हो गया है ना, ये तद्धित होता है मानोरथी का अस्फुटम अवभाषण, मन से संबंध रखने वाला जो वस्तु होता है वो अस्पष्ट रूप में प्रतीति हो जाए बाह्य स्फुटम है ना, स्वप्न में भी ऐसा होता है, चार नंबर स्वप्न में कहता है मानोरथी का भाव अस्फुटम उपभाषन्ते और बाह्य भाव अस्फुटम माँ बाप की उपाध्यान कर लेना भाव वस्तु। और पांच नंबर टिप्पणी प्रयोजन प्रयोजित न प्रभवती, उसको प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उत्पन्न ये प्रयोजित मतलब प्रयोजकी कर्तुम साध हेतु मतलब उसको सिद्ध करने के लिए ये हेतु नहीं बन सकता, इसको मतलब जागृतकालीन भावा को भाव वस्तु को सत्य सिद्ध करने के लिए स्फुटत्व हेतु नहीं बन सकता, जागृतकालीन भाव को सत्य सिद्ध करने के लिए स्फुटत्व हेतु नहीं बन सकता, इसको बोलते हैं प्रयोजकी कर्तु मतलब साध हेतु मिति वाद को सिद्ध करने के लिए प्रयोजक मतलब हेतु हेतु वो हेतु नहीं हो सकता। स्वप्ने अपनी तथा दर्शनात्
अयम विशिष्य तरी के न सिद्ध थी तरी ये स्पष्ट और अस्पष्ट व्यक्ति की विशेषता ये कैसे सिद्ध होगा। अयम विशेष स्तरी तब तो ये जो विशेषता कोई व्यक्ति स्पष्ट दिखाई पड़ता है या अस्पष्ट दिखाई पड़ता है ये विशेषता कैसे सिद्ध होगा। अयम विशेष तरी के न सिद्ध थी यदि आशंक इस प्रकार शंका उठाने पर तब उसका उत्तर में क्या दिया चतुर्थ पादार्थम अव चतुर्थ पाद क्या होगा विशेषस्तु इंद्रियम इंद्रियम विशेष क्या हो गया वहाँ पे एक बहिर् इंद्रियों की मदद से बहिर् इंद्रियों की मदद से देखो आत्मा ना मनोग्राह्य है ना इंद्रियों ग्राह्य है ना। बहिर् इंद्रियों के द्वारा जितना वस्तु का हम ग्रहण करेंगे उतना हमारे मिथ्या वस्तु संबंधित संस्कार और गाना होता है यहाँ ना। ये देखिए छुपा हुआ अर्थ इसमें जो क्यों एक एक करके शंका उठा करके इसको निराकरण करते हैं कि जहाँ जिस जिस बुद्धि के कारण हमारे अंदर इसके अंदर सत्यत्व बुद्धि बैठा हुआ है वो जगह पे एक एक जो है धक्का लगा है। मैं अपने आँख से देख करके आया हूँ मैं अपने इतने इसी को सत्य है अशस्त्र चीज इसका उत्तर इसीलिए क्योंकि जिस सत्य वस्तु को भूल रहे हो वो इंद्रिया तक आगे पहुँचा वस्तु अत कल्पिता एव भस्मे अत कल्पिता एव जाग्रत भावापि स्वप्न भाववत् इति सिद्धम् इसीलिए जाग्रतकालीन भाव वस्तु भी स्वप्नकालीन वस्तु की तरह उतनी कल्पित है ठीक है ना। कल्पिता जाग्रत भावा कल्पिता एव स्वप्न भाववत् ठीक है ना। लिखने की शैली देखिए आप जो मतलब अनुमान करने का जो शैली मतलब न्याय की जो भाषा उसको थोड़ा सा इधर उधर करके देखिए एक बार शैली बगल में आ जाए आपका अर्थ अर्थ समझ में आ जाएगा। जाग्रत भावा कल्पिता एव स्वप्न भाववत है ना। ये जाग्रत भावा कल्पित स्फुट स्फुट वो भी कल्पित ही है ना क्योंकि वो जो स्वप्न भाव स्वप्न में दिखाई दे रहा है वस्तु उसमें ही जो पहले अनुमान करके आया था उसी को ही थोड़ा सा घुमा घुमा के ये बोल रहे हैं। अच्छा अब देखिए फिर टीका में आ जाइए छोटा सा बचा मनो मात्र संबंधात अंतर्भावाना वासना मात्र रूपाणाम अस्फुटत्वम है ना। आनंद स्पष्ट लिख दिया मनो मात्र संबंध जिसके साथ केवल मन का संबंध हो केवल मन का संबंध होगा वहाँ पर अस्फुटत्व ही है और जब बाहरी इंद्रियों के साथ संबंध होगा तो स्फुटत्व जैसे होता है मनो मात्र मन मात्र मतलब बाहरी इंद्रियों का व्यावर्तन के लिए मात्र कर दिया संबंध केवल मन के साथ संबंध होने के कारण अंतर्भावाना अंदर विद्यमान जो वस्तु है वासना मात्र रूपाना जो केवल मात्र वासना रूप है मन मन के अंदर मैं जिस वजह मैं बनारस अतः मुझे ये वस्तु छोटा वासना होता है ना वहाँ पर वस्तु अथवा जाने की पूरा प्रक्रिया आलोचना तो स्पष्ट नहीं है फिर बाद में विचार करते हैं फिर बाहर इसको पूछते हैं बाहर करना करते तब हमें स्पष्ट करना इसलिए बोलते हैं मनो मात्र संबंधा अंतर्भावाना मन के मात्र केवल मन के साथ ही संबंध होने के कारण अंदर विद्यमान वस्तुओं का वासना मात्र रूपाना केवल हमारा एक इच्छा मात्र रूप है इसलिए वहाँ पे अस्फुटत्म धर्म बैठा हुआ अस्फुटत्म धर्म बैठा हुआ यहाँ भी एक दो नंबर टिप्पणी दिखाई दे रही है मनो मात्र दिखाई है वहाँ पे मनो मात्र संबंधा इत्यादि अब तक क्या हो गया मनसा स्मर्यमानस्य देवदत्तस्य अस्फुटत्वं चक्षुषा दृश्यमानस्य तु स्फुटम् इति प्रसिद्धमेव इति वा ठीक है। टिप्पणी करते व्यक्ति का नाम लेकर ही बोल दिया मन के द्वारा केवल मात्र स्मरण कर रहे हैं देवदत्त मन के द्वारा जब हम स्मरण कर रहे हैं तो देवदत्त किस प्रकार की कपड़ा पूरा पहना हुआ है अथवा उसका हाथ पैर में कहीं चोट लगा कि नहीं लगा वर्तमान में उतना स्पष्ट नहीं है परंतु जब हम आँख के सामने आ जाएगा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि मनसा स्मर्यमानस्य देवदत्तस्य अस्फुटत्वम् और चक्षुषा दृश्यमानस्य द्वारा आँख के द्वारा हम दिखाई पड़ते हैं स्फुटम् इति प्रसिद्धमेव ये किसी को पूछ करके देखो केवल इंद्रियांतर के कारण स्पष्टत्व अस्पष्टत्व आता है ये कोई वस्तु में विशेषता नहीं है। देवदत्त पिंड जैसे है वैसे ही है परंतु हमारे पास स्पष्टत्व क्यों आया ये केवल मन ही मन सत्य था और इसमें दूसरे में क्या था मन के साथ इंद्र के इसके अंदर भाई प्रसिद्ध में वैक्ति भाव फिर टीका में
बहिर्भावानां तु चक्षुर आदि बहिर इंद्रिय संबंधा युक्तम स्फुटत्वम। ठीक है, यहाँ पे कमेंट करते हैं, ये भी प्रतीक का बहिर्भावानां, बाहर विद्यमान जो वस्तु दिखाई पड़ता है, विद्यमान भाव वस्तु का, तो चक्षु आदि बहिर इंद्रिय संबंध, चक्षु आदि मतलब शब्द स्पर्श रूप रस कर्म सभी स्पष्ट करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से आता है, सभी के स्पष्ट करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु आदि बहिर इंद्रिय संबंध, चक्षु आदि बहिर इंद्रियों का संबंध होने के कारण युक्तम स्फुटत्तम वहाँ पर स्पष्ट तो रहेगा, ये युक्ति संगत है युक्तम स्फुटत्तम। तत् एष विशेष मिथ्यत्व अविशेष अभिषिद्धति इति अर्थ। ठीक है ना, ये जो विशेषता मतलब भिन्नता, स्फुटत्व अस्फुटत्व रूपी भिन्नता, तत् एष विशेष अभिषेद भिन्नता, ये जो भिन्नता मिथ्यत्व अविशेष की दोनों में स्पष्ट अस्पष्ट दोनों वस्तु मिथ्यत्व रूपी धर्म होने पर भी ऐसा होना संभव है, सिद्धत सिद्ध हो जाता है इति अर्थ, इसका अभिप्रेत है। ठीक है, कि तत् एष विशेष मिथ्यत्व अविशेष अभिषिद्धति इति अर्थ। इसलिए स्फुटत्व अस्फुटत्व प्रतिभास भेद से मिथ्यत्व अपि संभवात् प्राक उक्तम अनुमानम अविरुद्धम इति उपसंहरति। स्फुटत्व अस्फुटत्व प्रतिभास भेद से एक स्पष्ट रूप में प्रतीति हो रहा है, एक अस्पष्ट रूप में प्रतीति हो रहा है, ये जो विशेषता दिखाई पड़ता है भेद से मिथ्यत्व अपि वस्तु मिथ्या होते हुए भी संभव है, जो होने पर ही ऐसा संभव होने के कारण प्रागुक्त अनुमान, जो पहले हमने अनुमान किया था कि माता मिथ्या दृश्यत्वा स्वप्नवत, ये अनुमान हमारा ऐसे ही है, कोई हमारा दोष नहीं आया उसमें संभव, प्रागुक्तम अनुमानम अविरुद्धम, उस अनुमान में कोई विरोध नहीं आता, इसी को संघर्ष इसको मन में रखते भगवान संघर्ष। हाँ, हमारे पुस्तक में भी हरिता लिखा हुआ है, हम तो संघर्ष नहीं पढ़ते, उसी कर दीजिए उसको उपसंहरती, मतलब इकार की मात्रा थी तो एक तो के ऊपर आएगा, इकार की मात्रा तो ऊपर आएगा, अब कल्पित एवं, इसलिए यहाँ पे कल्पित एवं जागृत भाव शब्द, जागृत भाव कल्पिता स्वप्न भाववत इति शुद्ध में शुद्ध हो जाता है। ठीक है, एक और ये प्रश्न क्या है, कल्पना पहले क्या बोलते कल्पयति आत्मना आत्मनम आत्मदेव स्वमाया, वो आत्मदेव आपने को सबसे पहले किस रूप में कल्पना की, आपने आत्मदेव तो कल्पना किया, कल्पयति आत्मना आत्मनम आत्मदेव स्वमाया। ठीक है ना, आत्मदेव अपने द्वारा अपने को अपने ही माया से भिन्न भिन्न रूप में कल्पना किया, तो सबसे पहला कल्पना किसकी की थी, सृष्टि करने की सबसे पहले कल्पना किसकी है, आपको स्वयं को अपने को स्वयं को किस रूप में कल्पना किया, स्वयं को अपने को तो विषय रूप में नहीं ला सकता, तो अपने को विषय रूप में लाने के लिए कोई ना कोई उपाधि के माध्यम से अपने को देखना पड़ेगा, ईश्वर को ना बोलते हैं कल्पना करने के लिए, जीव को पहले अपने को पहले जीव रूप में कल्पना, ईश्वर तो सृष्टि नहीं होती है ना, तो इसलिए क्यों ये श्रुति वाक्य है, उसके उपयोगी का कर्म अनुसार कल्पना कर दिया, इसलिए आप देखिए बड़ा सुनकर कितना, देखिए स्टेप बाय स्टेप कितना सारा चीज को एक एक करके स्पष्टीकरण लाने और मिथ्यात्व हेतु को रखते हुए, मिथ्यात्व हेतु को रखते हुए क्रम बन भवतु सर्वस्व कल्पित। ठीक है, आपके बात मान लिया, स्वप्न की तरह जागृत कालीन सारा वस्तु कल्पित है, लेकिन भवतु लेकिन वो हो जाए, परंतु सा पुनः सर्व कल्पना के न द्वारे ना इति आशंका, वो जो कल्पना किया परमात्मा किसको दरवाजा बनाकर, कौन सा दरवाजा से घुस कर वो कल्पना की है ना, ये दरवाजा ही जीत गए जीवात्मक दरवाजा, इसी हिरण्यगर्भ में पहले से शुरू सा पुनः सर्व कल्पना, सा पुनः कल्पना सर के ना द्वारे ने, वो इतना सारा कल्पना किया कि तन मात्रा भूमि चौराशिला जोनि और इतना जीव, ये सबकी कल्पना है, वो करने के लिए दरवाजा किया था, पहले तो बोल करके स्व माया अपना माया शक्ति है,
तो माया शक्ति का सबसे पहले कल्पना सर्व कल्पना के द्वारे न इति आसन का ऐसे शंका होता करके उत्तर देते हैं। अब श्लोक में आ जाइए। जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथक् विधान बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्या तथा स्मृति जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथक् विधान बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा श्रुतिः। जीवं मतलब जीव को है ना, वो शुद्ध चेतन माया शक्ति के द्वारा पहले जीव को कल्पना की। ये जो बोल रहे मांडव को बैठकर वो भी अपने मन से नहीं, पहले उनको मन में ही आया था, पहले चांदो को पुनः संभा भी आने वाला है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व करवाणी, पूर्व कल्पित सृष्टियों के मन में आते ही वो जीव दिखाई देने लगे। इस जीव को आश्रय करके हम समस्त नाम रूप को अभिव्यक्त करूँ, मैं अपने को अनेक नाम रूप में अभिव्यक्त करूँ, किसका आश्रय लेकर के? जीव को आश्रय। इसलिए जीव की कल्पना सबसे जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान, फिर उसके लिए अलग अलग 84 लाख जो रहने का स्थान कर्म सब विभाजन मिथ्या मानते हुए भी शास्त्रीय मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि मिथ्या तो शास्त्र से प्रतिपादन होता है। यहाँ पर दिखा था सप्तम मंत्र ही था वैतत्व प्रकरण का बीज, जो वस्तु जहाँ दिखाई दे रहा है उसको वहीं पर निषेध कर दिया, तो जो वस्तु जहाँ पर दिखाई दे रहा है वही वस्तु वहाँ पर यदि निषेध हो उसको मिथ्या बोलते हैं। जाकर स्वप्न को शुद्ध चेतन को दिखाई देना तो प्रगण अवैध प्रगण अवैध प्रगण निषेध कर दिए शुद्ध, इसलिए मिथ्या तो श्रुति संबंध है। अब जो कल्पना किया था किसके आधार पर कल्पना की? माया शक्ति से चेतन तत्व तो कल्पना करता है, मन नहीं होते हुए परंतु सबसे पहले उसके मन में किसकी कल्पना है? किसकी कल्पना? पूर्व कल्पना सृष्टि। और वहाँ पर जो जीव दिखाई दिया तब उनके मन में अने न जीवे न आत्मना, इस जीवात्मा को सहारा लेकर के नाम रूपे वह कर्माणी में नाम रूप को अभिव्यक्त करूँ। हाँ, हिरण्य गर्भ जीव को सृष्टि करने के लिए जो चाहिए था उसको कल्पना किया। पहले जड़ नहीं है, अभी बोल रहा हूँ चेतन तो हमेशा विद्यमान है, चेतन की तो कभी अभाव नहीं होता, चेतन की उत्पत्ति भी नहीं होती, होती जड़ की उत्पत्ति होती है। अब जड़ की उत्पत्ति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक पिंड बनाना पड़ेगा, वो पिंड को आप हिरण्य गर्भ नाम दे रहे हैं। चेतन तो अब जो है वो जो जीव कल्पना की थी, आप उस हिरण्य गर्भ मंत्र का समष्टि मन इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति समष्टि मन, उसके लिए तन मंत्र चाहिए। ठीक है, पहले तन मंत्र की कल्पना की, जीव की कल्पना जीव की कर्म को देख करके और किस जीव किसके साथ तादात मत करेंगे महत्व ना। वहाँ पे प्रकृति अव्यकृत प्रकृति जिसको हम जो माया ईश्वर बोलते हैं वो अव्यकृत उस समष्टि बुद्धि हमारी समष्टि बुद्धि। और वहाँ पे क्या होता है कि महत्त्व मतलब क्या होता है? सत्य रज तमोगुण का जो वर्ण घटना होता है उस समय जो उनके सत्यगुण की अधिकता होती है तब उनकी जो है बुद्धि की अभिव्यक्ति होती है, विचार की अभिव्यक्ति होती है। विचार उठते ही पहले विचार क्या आता है? मैं अहंकार, ये शंकु दर्शन की मतलब बुद्धि में जो अहम तत्व है उसी को महत्त्व महत्व पाई अहंकार, ये अहंकार से भी परमात्म सृष्टि होती है। महत् से कहते हैं मन से परम अव्यक्त है, परम अव्यक्त मतलब ईश्वर अवस्था, अव्यक्त पुरुष और अव्यक्त पुरुष है। मनसस्तो परा बुद्धि बुद्धेर आत्मा महान बुद्धि महान आत्मा मतलब हिरण्यगर्भ बुद्धेर आत्मा महान आत्मा बोलते हैं हिरण्यगर्भ, क्योंकि वहाँ पे व्यापकता आ गई। महान क्यों बोला? यहाँ पे परिचिन्न में जा रहा था,
इंद्रियेभ्यः परा हि अर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि विपरिच्छिन्नता में जा रहे हैं, मतलब व्यष्टि बुद्धि। अब महान आत्मा वो समष्टि बुद्धि में जाओ, वो समष्टि बुद्धि में बात क्या है, अव्यक्त महत्व परम अव्यक्त। वहाँ जो महत्व है यहाँ आत्मा है वो एक ही है, नहीं उसी का ही तो विशेषण है महान आत्मा। आत्मा अलग का महत अलग को नहीं आए, महान आत्मा हो गया हिरण्यगर्भ, महान आत्मा हो गया हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि, महान आत्मा हो गया हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि। उसके पीछे कौन है, अव्यक्त ईश्वर, अव्यक्त पुरुष पर, अव्यक्त पुरुष और पुरुष के बाद जैसा काष्ठा स्वतंत्र है और ये अव्यक्त परतंत्र माया शक्ति जो है वो ईश्वर के अधीन होकर चलते है और पुरुष के अधीन नहीं चलते, पुरुष को नचाती रहती है। ये भिन्नता सांख्य दर्शन के साथ वेदांतिक सिद्धांत कौन सा अव्यक्त शब्द के द्वारा एक देखिए ये और तस्मात् तु भाव अनव्यक्त व्यक्त सनातन जस सर्वसु भूतेषु नस्य च न विनाशो मतः। दो अव्यक्त बोल रहे हैं, एक हो गया हिरण्यगर्भ की अव्यक्त अवस्था है मतलब अस्फुट अवस्था और एक हो गया परम अव्यक्त मतलब बिल्कुल ही मतलब एक हो गया आपका बीज अवस्था, एक हो गया अंकुर अवस्था। ठीक है ना, बीज में भी अव्यक्त है अंकुर अवस्था भी आपको स्पष्ट समझ में नहीं है, बीज हो गया परम अव्यक्त, अंकुर हो गया लिटिल अव्यक्त, बीज हो गया हिरण्यगर्भ ना, बीज हो गया ईश्वर, अंकुर हो गया हिरण्यगर्भ, उसमें थोड़ा अभिव्यक्ति, उसमें थोड़ा अभिव्यक्ति है, अभी स्पष्टकरण नहीं है अभी। फिर जब पेड़ पौधा निकलते हैं तब आपको थोड़ा थोड़ा पता लगता है कि क्या पता लग जाता है। इससे बोलते हैं जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विलग, पहले क्या करते हैं जीव को कल्पना करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं उसके अलग अलग भिन्नता भावान पृथक विधान, उसके अंदर जैसे जैसे संस्कार जैसे कर्म तद अनुकूल कैसा वस्तु अनुकूल होगा उस वस्तु को उत्पन्न करता है, कल्पना करता है। तो भावान पृथक विधान भिन्न विकल्प करके बाह्य और आध्यात्मिक, देखिए कैसा करते हैं भावान कैसा है, वो द्वितीय बहुवचन है पृथक विधान भावान, यहाँ भी एक द्वितीय बाह्यान आध्यात्मिकान शैव पृथक विधान भावान, ये तीनों द्वितीय बहुवचन है। अन्य कैसे करेंगे, जीवं कल्पयते पूर्वं ततः बाह्यान आध्यात्मिकान पृथक विधान भावान शैव, और किसके आधार पर करते हैं, यथा विद्य तथा शंकर समय में भी पहला वाला होगा भाषा प्रतिहत्यागम अशांतस्तमोहांधकारो मज्जो मज्जच्छोरे अशक्रे उपजनो नंबदे त्रासने यद्वापास्कितानां सुदिशं विनय प्राप्तिरध्यायमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनदौ सर्वभावैर्नमस्ते।